की पत्नी शालिनी के बीच विवाद खत्म नहीं हो रहा, लेकिन एक बार ऐसी चर्चा सामने आई थी कि शाहरुख खान ने एक शो के दौरान हनी सिंह को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद शालिनी ने उनका बचाव किया था। मशहूर सिंगर और रैपर यो हनी सिंह उर्फ हृदय सिंह और उनकी पत्नी शालिनी तलवार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शालिनी ने सिंगर पति और ससुराल वालों के खिलाफ यौन हिंसा, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि एक टीवी शो पर शालिनी ने सार्वजनिक तौर पर हनी सिंह का बचाव किया था। ऐसी चर्चा थी कि शाहरुख खान ने एक शो के दौरान हनी सिंह को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद हनी सिंह की पत्नी ने उनका बचाव किया। दरअसल साल 2014 में हनी सिंह इंडियाज रॉ स्टार जैसे शो में होस्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बाद वे अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हनी सिंह नशे की लत के शिकार हो गए और रिहैब सेंटर में थे। एक टीवी शो में पहली बार हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार भी नजर आई। बाद में शालिनी ने सार्वजनिक तौर पर पति का बचाव भी किया। एक इंटरव्यू के दौरान शालिनी से पूछा गया कि क्या वे सच में शाहरुख खान ने हनी सिंह को थप्पड़ मारा था। इस पर शालिनी ने कहा, वे उन्हें थप्पड़ क्यों मारेंगे, ये सब कहीं सुनी बातें हैं। हनी शाहरुख भाई की बहुत इज्जत करते हैं, भाई भी हनी को छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। सच तो ये है कि शाहरुख भाई ने हमारी बहुत मदद की है। गौर मतलब है कि शालिनी ने हनी सिंह पर मारपीट करने, मानसिक तनाव देने और भावनात्मक रूप से टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यो हनी सिंह का असली नाम रिदेश सिंह है। शालिनी के आरोप है कि रिदेश उनके माता पिता और छोटी बहन ने उनका शोषण किया। इसके साथ ही शालिनी ने खुलासा किया है कि हनी और शालिनी का रिलेशन उनके हनीमून के वक्त से ही बिगड़ना शुरू हो गया था। शालिनी ने बताया कि हनीमून के दौरान से ही हनी सिंह ने उन पर कई बार हाथ उठाया। उन्होंने साल 2011 में शादी की थी।